नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकृत मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कौन वो लोग होते हैं जो मरते वक्त भी ईश्वर का नाम नहीं ले पाते। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत ही बुरी स्थिति है कि जब आप इस शरीर को त्याग रहे हो तब आप भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हो और कहीं ना कहीं आप उससे वंचित हो, और आपकी आगे की क्या गति होगी ये तो खैर भगवान ही जाने। और अंत समय में ईश्वर का नाम ना लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, एक बहुत बड़ी त्रासदी है, और ये ना जाने अनगिनत मनुष्यों के साथ घटती है। और कहीं ना कहीं उनके अंदर की जो गलतियां होती हैं वो उनको ऐसे प्रारब्ध पे लाके खड़ा कर देती हैं कि अंत समय में भी वो भगवान का नाम नहीं ले पाते। पहले इंसान कौन होते हैं? पहले वो होते हैं जो ईश्वर से नफ़रत करते हैं। नफ़रत पूर्णतः नफ़रत नहीं, पर इस तरीके की नफ़रत के आप ईश्वर को ज़िम्मेदार ठहराते हो अपने जीवन में हो रही घटनाओं के लिए, दुखों के लिए, परेशानियों के लिए। तो एक कहीं ना कहीं भगवान से नाराज़गी हो जाती है। कोई आपका प्रियजन मर गया तो गुस्सा आता है कि हमने तुम्हारी इतनी पूजा की, इतना तुम्हें माना, इतने बारी तुम्हारे दरबार पर आए, पर हमारे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमारा परिजन हमसे छिन गया। कभी कभी नाराज़गी होती है कि हमें कुछ नहीं मिला, बरकत नहीं मिली, हमने इतने व्रत करे, इतने उपाय करे, हम गरीब क्यों हैं। कभी दफा इस बात की नाराज़गी होती है कि दूसरे को ज़्यादा क्यों दिया, मुझे कम क्यों दिया। तो अलग अलग लोगों के कारण होते हैं नाराज़गी के, और कहीं ना कहीं वो नाराज़गी और वो नफ़रत का ऐसा तालाबेली मच जाती है कि ईश्वर से विश्वास सा उठ जाता है, या उसको लोग काल्पनिक मानने लगते हैं, या उसको वो तवज्जो नहीं देते जो पहले देते थे। सपोज़ किसी की मन की इच्छा थी, कोई किससे प्यार करता है, वो प्यार नहीं मिला तो भगवान को ज़िम्मेदार ठहरा दिया। तो हम हर हालत में जब भगवान को ज़िम्मेदार ठहराने लगते हैं कि तुम्हारे ही कारण मुझे दुख मिला है, तुम्हारे ही कारण मुझे सुख नहीं मिला, तुम्हारे ही कारण मेरा प्रियजन चला गया, तुम्हारे ही कारण वो मुझे प्यार नहीं करती या करता, तो कहीं ना कहीं हम भगवान को कटघरे में खड़ा करने लगते हैं। तो हम सोचते हैं कि जो भी हमारे साथ गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, भगवान के कारण हो रहा है। और ऐसे ही गलत सोच रखने के कारण से जब इंसान मृत्युशैया पे होता है, मौत के करीब जा रहा होता है, चाहे बीमारी के कारण, चाहे एक्सीडेंट के कारण, चाहे कोई अन्य मृत्यु का कारण बनने के कारण, तो भी उसके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग रहती है ईश्वर को लेके। वो उन समय में चाह के भी भगवान को याद नहीं कर पाता, क्योंकि मन में ये थॉट होती है कि जो मेरे साथ हो रहा है, जो मैं मृत्यु के करीब जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इसके ज़िम्मेदार भी भगवान ही हैं, या जो भी कष्ट भोगा होता है जीवन में उसके ज़िम्मेदार भी भगवान को ही बना देते हैं कि भगवान ही ज़िम्मेदार है, इसी के कारण हमने इतना दुख भोगा, हमें खुशी नहीं मिली, जीवन में सुख नहीं मिला, और अब हम जब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं तो भी उसी की वजह से हो रहे हैं। तो इस तरीके की सोच रखने वाले लोग कभी भी ईश्वर का नाम अंत समय में नहीं ले पाते, वो चाह के भी नहीं ले पाते, क्योंकि लें कैसे, क्योंकि उनके अंदर फीलिंग ही इतनी इल आ चुकी है, नेगेटिव आ चुकी है, कि वो एंड में भी भगवान के पास नहीं जाना चाहते। उन्हें यही नहीं पता कि उनका आगे क्या होगा, कहाँ वो जाएंगे, उन्हें इस बात से कोई लेना देना भी नहीं होता, उन्हें बस एक ही माइंड में थॉट होती है कि सब ईश्वर के कारण हुआ है, तो उनका नाम क्या लेना। तो अपने आप में ये गलत सोच है, गलत स्थिति है कि हम भगवान को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, जबकि हर चीज़ हमारे कर्मों द्वारा चलती है, उसका प्रारब्ध पहले ही निर्धारित हो जाता है। अब इस जीवन के कर्म को खाली आप मत देखिए, आप अनगिनत जीवन जी चुके हो, ना जाने हर जीवन में आपने क्या क्या कर्म किए होंगे। हो सकता है किसी जन्म का बुरा कर्म भी हो जिसका फल अब इस जन्म में उदय हो रहा हो। दूसरी तरफ कई दफ़ा हमारे इसी जन्म के कर्म भी होते हैं जिन्हें हम रियलाइज़ नहीं करते कि वो बुरे कर्म हैं, पर सही मायने में वो बुरे कर्म होते हैं, गलत डिसीजंस होते हैं, जिसके कारण भी उसके रिपरकशन हमें भोगने पड़ते हैं। दूसरे तरीके के लोग जो अंत समय में भगवान को याद नहीं कर पाते, या बहुत ही मतलब चाह के भी भगवान को का एक मन से, दिल से, कॉन्शियस से, भावना से उनको नहीं बुला पाते, वो लोग होते हैं जो पूरी ज़िंदगी पाप करते हैं, पूरी ज़िंदगी बुरे कर्म करते हैं, किसी की जगह हत्या ली, किसी की दुकान कब्जा ली, किसी का मर्डर कर दिया, किसी का रेप कर दिया, किसी का रिश्ता तोड़वा दिया, किसी के घर में दरार डाल दी,
किसी के ऊपर टूट के करते रहे, किसी को जो है वैसे मारपीट करते रहने के साथ, किसी को वैसे प्रताड़ित करते रहे, या शराबी बने रहे, या जीवन भर लोगों को परेशान किया, घर वालों को किया, हर तरीके के अनगिनत बुरे कर्म किए, चाहे अगर कोई डॉक्टर है दुनिया भर के पेशेंट मारे, वकील है दुनिया भर के लोगों को लूटा परेशान किया, कोई वैसे बुरा इंसान है दुनिया को किसी ना किसी वे में लोगों को अपने से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उन्हें तंग रखा, तो इतने पाप कर्म उदय हो चुके होते हैं कि उनके अंदर जीवन में ही भगवान का डर निकल चुका होता है कि भगवान देख रहा है, कर्म फल है, ईश्वर सजा देगा, यह सब डर निकल चुका होता है। आपने देखा होगा जो पापी है उसके अंदर कोई डर नहीं होता, वो दिखावे के लिए भगवान की पूजा दिखा ले कि वो पूजा कर रहा है कर रहा है, पर उसके मन से डर निकल चुका होता है ईश्वर का, कुदरत का। तो जीवन भर वो पाप करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, इतना करते हैं कि अति से भी अति हो जाती है और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है कि मैंने इतना पाप कर लिया तो मुझे कुछ नहीं हुआ, तो अब आगे क्या होगा, इसका मतलब भगवान तो है ही नहीं, तो ये एक थॉट हो जाती है। जिसके कारण जब ये मृत्युशैया पे लोग जाते हैं तो क्रिमिनल टेंडेंसी के लोग, क्राइम करने वाले लोग, हत्या करने वाले लोग, तो ये जब मौत के करीब जाते हैं तब भी इनके स्मरण में ईश्वर का ध्यान नहीं होता, ये भगवान को याद नहीं कर पाते, चाह के भी उनको ध्यान नहीं कर पाते, चाह के भी इनके माइंड में ईश्वर नहीं आ पाता, और अगर आए भी तो मन से ये उसको याद नहीं कर पाते, क्योंकि जो पूरी ज़िंदगी इन्होंने बुरे कर्म किए होते हैं इनकी आत्मा इनको जानती है कि इन्होंने जो किया है उसके लिए अब भगवान से भी नज़र मिलाने के लायक नहीं है, और इसी कारण से ऐसे लोग भी प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेत बनते हैं और लंबे समय तक भूत प्रेत बन के पारलौकिक दुनिया में विचरण करते हैं, सड़ते हैं वहाँ पे। तो अपने आप में ईश्वर को ना याद करना अंत समय में एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि भगवान को अगर आप याद करते हो अंत समय में तो कहीं ना कहीं उसकी थोड़ी बहुत कृपा ज़रूर हमें मिलती है, चाहे हमने कुछ ही जीवन में किया है या नहीं किया। पर मैं ये नहीं कहता कि आप पूरी ज़िंदगी बुरे कर्म करो और अंत में उनको याद करो तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। जो आपने बुरे कर्म किए हैं उसकी सज़ा तो आपको मिलके ही रहेगी, इस जन्म में नहीं तो किसी और जन्म में। पर यहाँ अंत में इस शरीर को त्यागते वक्त उनका ध्यान करने से कुछ हद तक थोड़ी बहुत उनकी कृपा ज़रूर मिल जाती है, थोड़ी बहुत थपकी उनकी ज़रूर मिल जाती है, जिससे आत्मा को आगे बढ़ने में, दुख को सहने में, अपने आप को सुधारने में, प्रायश्चित करने में मदद मिल जाती है। पर जो लोग ईश्वर को उस वक्त भी ध्यान नहीं करना चाहते, चाहे नाराज़गी को लेके, चाहे दुख को लेके, चाहे गुस्से को लेके, चाहे पाप कर्म करने के कारण, आप यकीन मानिए आप अंत समय के बाद ईश्वर को प्राप्त करना तो खैर भूल ही जाइए, 84 लाख योनियों के चक्र में फंसे रहोगे, और सबसे पहला जो आपके लिए योनि तैयार है वो प्रेत योनि है, उसमें लंबा समय आप बिताओगे ही। ऐसी सोल्स नेगेटिव माइंडसेट के कारण या नेगेटिव कर्मा करने के कारण पूरी ज़िंदगी अपने जीवन को वेस्ट करने के बाद प्रेत योनि में भी नेगेटिव होते चले जाते हैं, यही चंडाल का, जिन का, डीमंस का रूप लेते हैं। तो इसीलिए भगवान से नाराज़गी या गुस्सा मत रखिए, या अगर आप जीवन में पाप कर्म कर रहे हैं तो अभी भी वक्त है इन पाप कर्मों को बंद कर दीजिए, मीट मांस खाना छोड़ दीजिए, शराब पीना छोड़ दीजिए, दूसरों का धन हड़पना छोड़ दीजिए, ज़मीन कब जाना, दुकानें कब जाना, घर कब जा कर लेना, खाली ना करना, ये सब बुरे कर्मों को छोड़ दीजिए। दुर्योधन का अंत याद रखिए, उसके अलावा मर्डर करना, रेप करना, धोखाधड़ी करना, बेवकूफ़ बनाना, दूसरों के ज़िंदगी में कांटे बुना, दूसरों की चुगलीखोरी करना, रिश्ते ख़राब करना, ये सब कर्म छोड़ दीजिए। जलन करके किसी को बुरा करना, गुटबाजी करके किसी को परेशान करना, मार पिटाई करना, गाली गलौज करना, ये सारे कर्म आपको गलत मिले जा रहे हैं। फिर चाहे अंत समय में आप भगवान का नाम ले भी लोगे ना तो भी आपको वो नहीं मिलेगा जो आप सोच रहे हो। तो एक्सपेक्टेशंस ईश्वर से तभी लगाना जब आप खुद सही हो। और इस तरीके के मैक्सिमम लोग देखे गए हैं जो भगवान से या तो नाराज़ या गुस्से में रहेंगे या पूरी ज़िंदगी पाप करेंगे। तो अपनी वो स्थिति उत्पन्न ना करें, अपने आप को सुधारें, हर दिन एक नया है, आज ही प्रण ले कि मैं कल से ये सब बुराई नहीं करूँगा, मैं इस बुराई के चोले को त्याग दूँगा। आप यकीन मानिए फिर अंत समय में चाहे आप ईश्वर को ध्यान कर पाओ या ना कर पाओ, ईश्वर अपने आप आपके पास आ जाएंगे।
तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पर गौर करेंगे और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सुधारने का प्रयास करेंगे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, कोई भी भूत प्रेत ब्यादा आपके घर में है, काला जादू लोग आप पे करते हैं, काम नहीं चलता, घर में कलेश रहता है, शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग पाती, हर वक्त परेशानियां हैं, तो आप मेरी धुनी ज़रूर मंगाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, घर में जलानी शुरू कीजिए, हर काम बनेंगे, नेगेटिविटी दूर होगी, काला जादू कट जाएगा, नज़र दोष टोक हाय कुछ भी नहीं रहेगा। आप मेरे द्वारा विमंत्रित लॉकेट पहन सकते हैं, ये सदैव आपकी रक्षा करेगा। अगेन, ये कभी ख़राब नहीं होता है, ये पूरी ज़िंदगी आपका बचाव करता रहेगा। ग्रोथ के लिए ग्रोथ ब्रेसलेट मंगा सकते हैं मेरे से, हमेशा आपको ये बढ़ोतरी ही देगा जीवन में। और अगर बहुत गुस्सा आता है किसी भी फैमिली मेम्बर को, तो उसे मेरा शेरमुखी कड़ा पहनाइए, उससे उसका गुस्सा आधे से ज़्यादा वो कड़ा ही ख़त्म कर देगा, और उसके बाद वो बंदा अपने आप विनम्र होता चला जाएगा, उसमें शक्ति ही ऐसी होगी। तो आपको अगेन ये सब मंगाने के लिए अभिमंत्रित आएगा मेरे द्वारा, आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पर संपर्क करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।